आजू बाजू सब यहाँ पे गाड़ी का काम हो रहा है, पूरा गाड़ी का वेल्डिंग का ही काम होता है यहाँ पे। वो देखो अपना हेड पड़ा है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये वॉल का जो पॉइंट है कैसे कट गया है। सो ये एकदम ठीक तरीके से काम नहीं हुआ इसलिए खराब हो गया था। रखते इसको, कुछ टूटा तो नहीं, टूटने लायक तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये देखो यहाँ पे कैसे मार लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पेट्रोल पंप है आगरा में और यहाँ से ये मार्केट स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हमारी बाइक का काम होने को आया है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं लेकिन हीरो एक्सपल्स का एक पार्ट नहीं है। मैं दुकान में जाके पूछा, बोलते भाई ये बाइक यहाँ पहुँची ही नहीं है। आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हेलमेट की दुकान, बाइक्स की एक्सेसरीज, एवरीथिंग सब है। वाइन शॉप भी है, मतलब बाइक बनी तो ठीक, नहीं बनी तो खुद को बना लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी आगे एक और टर्न आएगा, वो टर्न मारने के बाद स्पेयर पार्ट की दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं लेकिन वहाँ पे एक्सपल्स का कुछ नहीं है। सामने से आ रही है कावड़ यात्रा। यार कावड़ यात्रा के दिन ना हरिद्वार पहुँचना चाहिए, मज़ा आ जाए। कोशिश करता हूँ मैं बोईसर जाने के बाद ट्रेन से मैं हरिद्वार पहुँचूँ। देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा स्पेयर पार्ट का दुकान है। यहाँ पे स्पेयर पार्ट का दुकान है और ये तो इतना बड़ा है कि भाई मुझे लगता है कि कंपनी से ज़्यादा यहाँ पे स्पेयर पार्ट होगा, बट यहाँ पे नहीं था अवेलेबल। हो जाता है भाई, अपनी गाड़ी सबसे यूनिक है और सबसे यूनिक होनी चाहिए कि आदमी जब देखे तो बोले यार कहाँ लेके आ गए हो, ये तो बहुत मुश्किल है इसको करना। देखो पीछे कितने बड़े बड़े दुकान जा रहे हैं स्पेयर पार्ट के, देख के ऐसा अलग लग रहा है कि भाई क्या ऐसा क्या गलती हो गया जो 3 साल में गाड़ी ने मतलब तीसरे साल ही प्रॉब्लम दिखा दिया, या फिर हम भी ले ले वो गाड़ी जो हर जगह छाई रहती है रॉयल इनफील्ड की। बोलिए कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे ये पूरा पीस नया काटा है क्योंकि ये जो काम हो ख़राब होके बैंड क्रॉस हो गया था, मतलब वॉल अच्छा पूरा यहाँ पे नया काम हुआ, अभी वो अंकल कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पे हमारा 2 बज गया, ये भी नया पार्ट डाला। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा गाइड और नीचे चाहिए तो ऐसा नहीं लग रहा ये वाला, नहीं उसका वो वॉशर आएगा। सो 3 बज चुका है, कुछ 11:30 बजे हम इस दुकान पे आए थे कि भाई सीधा जो काम है हम वो लेके जाएंगे, लेकिन भाई 10 बजे आए थे। बापा बापा बापा, और अभी तक काम यहाँ पे हो रहा है, अभी बस कुछ 10-15 मिनट का काम है, ये लेके जाएंगे सीधा शोरूम, उसके बाद देखते हैं कब तक रेडी होता है और फिर उसके बाद निकल जाएंगे घर। कुछ बोल नहीं सकता और मेरी वजह से मेरे दोनों दोस्तों का जो राइड है वो पूरा राइड पैसा समय सब बर्बाद हुआ है। बस ये आखिरी काम हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद हम लेके चलेंगे। 3:30 बज चुके हैं, 4 बजे 5 बजे शोरूम बंद हो जाए, पता नहीं कब तक काम करके देंगे, और लेट हो गया और बांधे हो जाएंगे। तो देखिए शाम के 5:30 हो चुके हैं, यहाँ बैठ गए आराम से टीवी देख रहे हो, भाई साहब वहाँ हमारी बाइक का काम हो रहा है कि नहीं पता नहीं, हो रहा है देख के आए, बस इस बार बन जाना चाहिए फिर मज़ा आएगा। सीधा नॉन स्टॉप निकलेंगे लेकिन 3 घंटा आराम करके, भाई कम से कम 3 घंटा आराम करेंगे सीधा नॉन स्टॉप घर पे। वो देखिए बाइक सामने वहाँ पे हवा में लटका हुआ है और नीचे बैठ के 2 लोग काम कर रहे हैं। सो आज काम हो जाए बस सीधा निकलेंगे घर हम। तो बारिश इतनी जोरदार हुई कि भाई देखो यहाँ पे पानी पानी लग चुका है और सामने देखिए अपनी बेबी टाइगर फाइनली यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी है। इसका जो हेड का काम था कल शाम को 4 बजे हेड खुला था जिसके वजह से हो नहीं पाया, लेकिन आज जो हमने हेड वाले के पास ही हम तीनों बैठ गए थे कि भाई हेड लेके ही जाएंगे और हेड लेके आए और अपना सारा काम यहाँ पे हो गया। नीरज हीरो तो ये अब भाई आप मैकेनिक हो कोई नहीं आपके हाथ में है सारा, लेकिन कोई बात नहीं। और ये एग्जैक्ट हाईवे पे सामने हाईवे 44 है जो कि मथुरा जाता है और दिल्ली जाता है। और आपको बहुत थैंक यू सो मच जो आपने पूरा इतना अच्छा कोऑपरेट किया और इतना अच्छा काम करवा दिया यहाँ पे। अब बड़ा चैलेंज ये है कि हम यहाँ से डायरेक्ट निकलने वाले हैं बोईसर,
1400 किलोमीटर। देखते हैं क्या है, मैं तो बोलना 2 घंटे आराम कर लेते भाई, चाय पानी पी लेते वापस। तो काम हो चुका है तुम्हारा भी, थैंक यू सो मच भाई। अब जल्दी निकलते हैं यार, 2 दिन बर्बाद कर दिया हमने यहाँ पे, बर्बाद नहीं किया लेकिन इसको जरूरत थी एक अच्छे मैकेनिक की, एक अच्छे काम की, जो इसमें फाइनली हो गया। और हम आ गए नीरज ऑटो शोरूम में, यहाँ पे भी बहुत सारी बाइकें हैं। ओके, टेस्ट राइड लेंगे, एक दिन टेस्ट राइड लेंगे इसका हम, और बहुत बढ़िया है, और इसका मतलब और भी बहुत सारे राइडर्स हैं जो ये बाइक भी लेके जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा देखो, आपको पता है कि मैं भी हीरो को कब से प्यार करता हूँ, 3 साल हो गया बेबी टाइप पे कहाँ कहाँ राइड किया है, लेकिन कुछ मेरी गलतियाँ थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उसमें आ गया, वरना बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, मेरी वजह से बाइक में प्रॉब्लम आया। ये नया वाला है, B4 वाला है, ये थोड़ा सा मतलब इसको ऑफ रोडिंग में नहीं लिया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, मैकविल है, देन इसको थोड़ा सिंपल रखा है, लेकिन इंजन जो है वो NX 200 का ही है। सो बाइक बन चुकी है, बाइक की खुशी में हम यहाँ पे खुशी वाला खाना खा रहे हैं, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाइक हमारी दूसरी बार हीरो शोरूम में पहुंच चुकी है फाइनली, जो चीज पहले देनी चाहिए थी वो मैंने आखिरी में दी है हीरो शोरूम में, और यहाँ पार्ट भी अवेलेबल नहीं था, जैसे तैसे लिंक वाले के पास सारा काम बना है। तो ये खाना खा के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, जो कि हम यहाँ से बोईसर जाने वाले हैं 1400 किलोमीटर नॉन स्टॉप, जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सबका जो डिले हो चुका है उसको कंप्लीट करना है, तो हम आराम आराम से जाने वाले हैं क्योंकि दिन भर आराम किया है, आराम सोया है, तो देखते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। पराठा तो बहुत बड़ा है यार, बढ़िया है, खुशबू आ रहा है क्या? मतलब भाई साहब ये देखो क्या पानी जा रहा है, बस खाना मिले या ना मिले हमको बस यहाँ पे फ्रेश होना है। तो बारिश देखिए यहाँ पे कितना बारिश आ गया, यहाँ पे खड़ी है हम तीनों की परी।